इधर नाला थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न स्थानों से खुलेआम प्रतिदिन दर्जनों ट्रक एवं सैकड़ों बैलगाड़ी से कोयले का अवैध रूप से तस्करी हो रहा है। स्थानीय पुलिस प्रशासन मौन होकर बैठी हुई है, जबकि उपायुक्त के द्वारा एसपी को इस संदर्भ में कार्रवाई के लिए पत्राचार भी किया गया है, बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह आरोप बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य वीरेंद्र मंडल का है। उन्होंने समाज कल्याण कार्यालय परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अविलंब इस कोयले के काले कारोबार पर रोक लगाने की मांग पुलिस और प्रशासन से की है, अन्यथा रोक नहीं लगने पर अनुमंडल कार्यालय के समक्ष धरना पर बैठने और चक्का जाम करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि डीसी के आदेश के बावजूद भी कोयला तस्करों पर कार्रवाई नहीं होना पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। अंतर्गत नाला थाना क्षेत्र से विशेष करके जो अफजलपुर इलाका है, पलासथली इलाका से जो है पिछले कई एक महीनों से खुलेआम कोयले के जो तस्कर है, एक तरह से कह सकते हैं कोयले के जो बड़ी माफिया सरगना, ये सभी जो है अवैध तरीके से खुलेआम आपके नाला थाना क्षेत्र अंतर्गत अफजलपुर के बगल में संथालडी में मेन डिपू बनाकर, वहीं अगल बगल कई एक ऐसे जो है छोटे छोटे डिपू बना करके ये लोग जो है कोयले को एकत्रित करके जो है जैसे आपके संथालडी में मेन डिपू बनाता है और कास्ता, जोरकुंडी, सुल्तानपुर, बेलडंगाल इत्यादि कई एक ऐसे स्थान है जहां पर जो है छोटे छोटे जो है डंपिंग करके जो है कोयले को ले वहां से अवैध उत्खनन करके रात की 9 बजे से प्रतिदिन और रात्रि में दर्जनों ट्रक से जो है अवैध तस्करी ये लोग करते हैं। और आलम यह है कि स्थानीय स्तर के जो जनप्रतिनिधि हो, स्थानीय स्तर के समाजसेवी हो या स्थानीय स्तर के प्रबुद्धगण या आम जन अगर इस पर किसी भी प्रकार का अवरोध पैदा करना चाहता है, उन लोगों से अगर अनुरोध करना चाहता है कि भाई अवैध तस्करी मत करिए, तो वो लोग उन लोगों को जान मारने की भी धमकी देती है